प्रदेश में तेज गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, तो वहीं राजधानी जयपुर में भी कई दिनों से 40 डिग्री तापमान से अधिक रहा है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का असर कुछ दिन और भी जारी रहेगा। राजधानी की सड़कों पर भी गर्मी का असर देखने लगा है। आपको बता दें कि जहां लोग गर्मी में धूप से बचाव करते नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर यातायात पुलिस के जवान भी भीषण गर्मी में शहर की यातायात व्यवस्था संभाले हुए हैं। गर्मी का असर राजधानी के अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक अशोक गुप्ता ने बताया कि गर्मी के कारण मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तापमान बढ़ने पर मरीज को बुखार आने तथा पानी की कमी सहित दूसरी समस्याएं भी आती हैं, और इसके बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए। जब भी तेज गर्मी है तो उस गर्मी की वजह से तीन चार समस्याएं खास तौर से होने की संभावना रहती है। एक तो वातावरण जब का तापमान बढ़ा हुआ है तो आपके शरीर को गर्म कर सकता है, बुखार ला सकता है। दूसरी चीज़ पानी की कमी कर सकता है। तीसरी चीज़ अगर ज़्यादा जटिलता आ जाए तो उसके दौरे आ सकते हैं। तो लू से बचने के लिए एक तो ये ध्यान रखें कि बच्चों को आप जो एक्सरसाइज करने जाते हैं बच्चे, मतलब खेलने कूदने जाएँ, तो ऐसे समय जाएँ जब तेज़ गर्मी ना हो। तो सुबह या तो बहुत जल्दी जाएँ या शाम को थोड़ा देर से जाएँ। आउटडोर एक्टिविटी में खास तौर से दिन की धूप के समय कोई